मथुरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में ब्रजराज महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व वृंदावन में संतों के साथ भोजन किया। ब्रजराज महोत्सव का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह ब्रज की पावन धारा है और ब्रज के हर क्षेत्र में कणकण में भगवान का वास है। उन्होंने कहा कि कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक को तीर्थ विकास परिषद ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ऊंचाई पर पहुंचाया। यदि जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं होता तो यह ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि आज यहां ब्रजराज महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम 9 दिन तक चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा यहां पर हुनर हाट भी लगाया गया है। इसके माध्यम से शिल्पी हस्तशिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संक्रमण काल में देश को एक मंच दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ पाएंगे। उन्होंने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की भी तारीफ करते हुए कहा कि हेमा मालिनी जी के सहयोग से ही यहां पर ब्रजराज महोत्सव का आयोजन किया जा सका है। उन्होंने कहा कि कला किसी जाति या धर्म की मोहताज नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना संक्रमण काल कुछ मंत्र दिए हैं। उन्होंने एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाया है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना साकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह हुनर हाट उसी का माध्यम है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मुरारी बापू के शिष्य का एक भजन सुना। इस भजन को सुनकर पंडाल में लोग झूम उठे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर वहां पूजा एवं दर्शन किए। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, आपने साथ में भोजन किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा लगा है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सब कुछ लेके चल रहे हैं, पहली बार वृंदावन में किसी मुख्यमंत्री ने सारे संतों के साथ, सारे ब्रजवासियों के साथ, सारे भागवताचारों के साथ में बैठ के आज प्रसाद पाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश होने वाला है और मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ और उनसे विनती करना चाहता हूँ कि ये मौका कोई भी नहीं जाने दे। प्रदेश में फिर से योगी सरकार आनी चाहिए तो हमारा राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि और हमारा काशी, ये सारे मुक्त हो जाएंगे, बन जाएंगे, भव्य मंदिर बनेंगे। इसलिए बार बार सबसे अपील है कि इस पर विचार करें, पुनः विचार करें, कोई चूक ना आ जाए। ये बड़ा समय सोचने का समय है। बसंत उत्सव की जो मांग की, ये अभी बसंत उत्सव की मांग है, हमें ऐसा लगता है। देखिए, अभी कुंभ हो चुका है, इससे आप देखिए, इससे पहले अभी उन्होंने ब्रजराज महोत्सव शुरू कर दिया, अब बसंत कर देंगे। हमें लगता है बार बार कोई ना कोई कार्यक्रम अब चलता रहेगा वृंदावन में, कोई भी होगा, ये हमेशा जब तक योगी सरकार रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश में ब्रज में कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसे चलते रहेंगे। जय श्री राधे।